नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत। मैं हाँ तुहानू पहले एक नज़र चोणवीआं खबरों ते। बिहार विधानसभा चोणां दे रुझान आउणे शुरू। शुरुआती रुझानों में एनडीए महागठबंधन तो अगे चल रहा है। हुण तक मिले कुल 75 रुझानों में एनडीए 40 और महागठबंधन 29 ते अगे। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली और एनसीआर खेतर में पटाके चलाने पर 30 नवंबर तक पूरी तरह पाबंदी लगाई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की समीक्षा और सही विहार को उत्साहित करने के मकसद नाल 9 सूबों के सेहत मंत्री नाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार ने 443 करोड़ रुपए के निवेश वाले 21 प्रोजेक्टों को इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन ते वैल्यू एडिशन स्कीम तहत दी मंजूरी। पंजाब हुण तक 13 लाख क्विंटल नरमे कपाह की खरीद हुई, जो पिछले साल की खरीद नालों 61% वाधा है। ते 15वें वित्त कमीशन ने साल 2021 तो 2026 लई अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं सौंपी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बिहार विधानसभा ते 11 सूबियां दीआं 58 विधानसभा सीटां दे नतीजियां दे रुझान आउणे शुरू हो गए ने। ताज़ा रुझान अनुसार महागठबंधन ते एनडीए विचाले 5वीं टक्कर चल रही है। खबरां लिखे जाण तक बिहार विधानसभा दीआं 75 सीटां दे रुझान मिले ने, जिस विच एनडीए 40 सीटां ते महागठबंधन 29 सीटां ते अगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 24, आरजेडी 17, जेडीयू 14, कांग्रेस 7 अते कांग्रेस माफ करना लोक जन शक्ति पार्टी 3 सीटां ते अगे चल रही है। 10 सीटां ते आजाद उम्मीदवार अगे चल रहे ने। इन्हां नतीजियां वोटां की गिनती अज सवेरे 8 बजे तो शुरू हो गई है। सब तो पहला डाक वाली वोटां गिनिया गईं। ईवीएम मशीनों नूं अद्धे घंटे बाद खोलिया गया। गिनती हालां विच वड्डियां वड्डियां स्क्रीनां लगाई गई ने। 243 मैंबरी विधानसभा लई कोविड-19 दे प्रोटोकॉल की पालना करदिआं वोटां की गिनती जारी है। बिहार के मुख चोण अधिकारी HR श्रीनिवासा ने दस्सिया कि इस बार नतीजे आउण विच कुछ देर लग सकती है, क्योंकि इस बार वधेरे ईवीएम मशीनों की वरतों की गई है। सुरक्षित अते पारदर्शी गिनती लई सारे प्रबंध मुकम्मल किए गए। विधानसभा के नाल नाल बिहार के वाल्मीकि नगर लोक सभा हल्के लिए पाईआं वोटां की गिनती भी अज करवाई जा रही है। गिनती के काम लई सूबे के 38 जिले में 55 गिनती केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार समाजिक दूरी को बनाए रखने लई एक हाल में गिनती लई 7 मेज़ां तो वध नहीं लगाए। सूबे भर में 414 गिनती हाल तैयार किए गए हैं। चोण कमीशन वालों कोविड-19 के मद्देनज़र चोणां लई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए सन। वोटां की गिनती तो पहला केंद्रां नूं सैनिटाइज़ किया गया। गड़बड़ी मुक्त वोटां की गिनती नूं यकीनी बनाने लिए हर एक गिनती सेंटर ते निम फौजी बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वर्चुअल माध्यम राही SCO सम्मेलन नूं संबोधन करनगे। SCO कौंसल दे मुखियां दे 20वें सम्मेलन दी प्रधानगी रूस दे राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन करनगे। कौंसल दे सारे 8 मैंबर, जिस विच रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किरगिस्तान, तजाकिस्तान अते उज़्बेकिस्तान शामिल ने, हिस्सा लेंगे। भारतीय वफद की अगुवाई वर्चुअल माध्यम राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने दिल्ली और NCR खेतर में पटाके चलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। NGT ने हवा की क्वालिटी के गंभीर पद्धर तक खराब होने के मद्देनज़र अपने हुक्मों में किया है कि देश के जिस किसी सूबे में हवा की क्वालिटी खराब है उन्होंने पटाके चलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। NGT अनुसार दिल्ली NCR 30 नवंबर तक पटाके चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। ट्रिब्यूनल ने अगे कहा है कि होरना सूबे में भी जिथे हवा का म्यार खराब, बहुत खराब और गंभीर है, उन्हां विच भी 3 नवंबर तक पटाकों की खरीद और पटाके चलाने पर पाबंदी रहेगी। जिन्हां खेतरां विच हवा की क्वालिटी सधारण और संतोषजनक है उत्थे पटाके चलाने की आग्या दी जाएगी। ट्रिब्यूनल ने अगे कहा है कि जिन्हां शहरां दे पिछले साल नवंबर महीने के मुकाबले इस बार इस महीने में हवा की क्वालिटी बेहतर या संतोषजनक है, उत्थे दिवाली मौके सिर्फ 2 घंटे लिए पटाके चलाने की इजाजत दी जाएगी। इस तों इलावा होर किसी भी दिन पटाके चलाने पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाकों समेत हर तरह के पटाकों पर मुकम्मल पाबंदी के हुक्म जारी किए ने। दिल्ली वासियों नूं दिवाली तो पहला प्रदूषण दे नाल नाल कोरोना वायरस नाल भी 2-4 होना पै रहा है।
केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा और कोविड लई सही विहार नूं उत्साहित करने के मकसद नाल देश के 9 सूबों के सेहत मंत्री नाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। इस मीटिंग दौरान सूबों वालों अपने कंटेनमेंट रणनीति बारे पेशकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री वालों यह मीटिंग कई सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के वधदे मामलों के मद्देनज़र रखी गई थी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार इस वेले 99% कोरोना तो ठीक होने वाले केस 10 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही पाए जा रहे हैं। भावें देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की दर घटी है और इस दे नाल ही नवे मामलों में भी समय समय से कमी दर्ज की गई है, पर फिर भी केंद्र ते सूबा सरकारों वालों टेस्टिंग ते जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 443 करोड़ रुपए के निवेश वाले 21 प्रोजेक्टों नूं इनग्रेटिड कोल्ड चेन ते वैल्यू एडिशन स्कीम तहत मंजूरी दी है। इस स्कीम तहत इन्हां प्रोजेक्टों लई 199 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर की गई है। यह मंजूरी कल नवी दिल्ली में फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रधानगी हेठ अंतर मंत्रालय मंजूरी कमेटी वालों दी गई है। इस मौके बोलदिया नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इन्हां प्रोजेक्टों नाल किसानां ते खपतकारां नूं लाभ पहुंचेगा। उन्होंने अधिकारियों मंजूर हुए प्रोजेक्टों नूं तेजी नाल लागू करन दी हदायत जारी कीतियां ने। उन्होंने कहा है कि 21 प्रोजेक्ट करीब 12,600 व्यक्तियों लिए रुजगार के मौके पैदा करनगे अते 2 लाख तो ज़्यादा किसानों नूं फायदा देंगे। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू अते कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड अते उत्तर प्रदेश विच फैले हुए ने। पंजाब विच हुण तक करीब 13 लाख क्विंटल नरमे कपाह की खरीद हुई है, जो पिछले साल इसे समय दौरान हुई खरीद नालों 61% वध है। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने दस्या कि सूबे भर में वधिया मौसम रहने कारण चंगा झाड़ होने करके नरमे कपाह की भारी आमद और खरीद हुई है। चेयरमैन ने दस्या कि सूबे विच हुण तक 13,06,000 क्विंटल नरमा पहुंचा है, जबकि पिछले साल इस समय दौरान 8,11,000 क्विंटल नरमे की आमद हुई सी। उन्होंने दस्या कि हुण तक हुई नरमे कपाह की कुल आमद विच भारतीय कपाह कारपोरेशन के 10,58,000 क्विंटल नरमा खरीदया, जबकि आढ़तिया ने 2,47,000 क्विंटल नरमा खरीदया है। उन्होंने कहा है कि सीसीआई ने सूबे दीआं 22 कपाह मंडियां विच्चों कोई 80% नरमे की खरीद घट्टो घट समर्थन मुल ते कीती है। इस बार सूबे विच नरमे कपाह की खरीद लई 6वें नवें खरीद केंद्र तलवंडी साबो, तपाह, भिखी, बरेटा, लहरागागा ते मुक्तसर विच बनाए गए ने। 15वें वित्त कमीशन ने अज साल 2021 तो 2026 तक लई अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं सौंप दित्ती है। वित्त कमीशन दे चेयरमैन एनके सिंह ने राष्ट्रपति नाल मुलाकात करके उन्हां नूं यह रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट केंद्र अते सूबा सरकारां, स्थानक सरकारां, पिछले वित्त कमीशन दे चेयरमैन अते मैंबरां, कमीशन दी सलाहकार कौंसल अते होर अकादमिक संस्थावां दे माहरां नाल व्यापक चर्चा मगरों तैयार की गई है। वित्त कमीशन इस रिपोर्ट की एक कॉपी प्रधानमंत्री नूं वी भेट करेगा, क्योंकि खजाना मंत्री वित्त कमीशन की रिपोर्ट नूं लोक सभा विच सरकार वल्लों कीती कारवाई संबंधी रिपोर्ट दे नाल पेश करनगे। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र स्कूल बंद रहने करके विद्यार्थियों की पढ़ाई के हुए नुकसान ध्यान में रखद्या सीबीएसई की तर्ज से अकादमिक साल 2020-21 9वीं तो 12वीं श्रेणी के सिलेबस को घटा के सोध्या। यह सोधे हुए सिलेबस को सिक्ख्या बोर्ड की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह जानकारी पंजाब के सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कल मोहाली ऑडिटोरियम में पत्रकार नाल गलबात करदे दी। उन्होंने कहा कि सोध्या हुआ सिलेबस पूरी तरह तैयार है, जो बोर्ड की वैबसाइट तो उपलब्ध है। बोर्ड वालों जारी हुक्मों में कहा गया है कि पंजाबी अते इतिहासिक विषय को छोड़ के बाकी विषयों के पाठ्यक्रम को 30% घटाया गया है। सिलेबस को इस ढंग से सोचा गया है कि विषय के मूल संकल्प को नुकसान न पहुंचे। इस दौरान सिक्ख्या मंत्री ने मैट्रिक पद्धर की बोर्ड परीक्षा दौरान मोहरी रहने वाले विद्यार्थियों इनामी राशि के चैक तकसीम किए। बोर्ड वालों 10वीं-12वीं श्रेणी के सूबे विचों पहले स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों 1,00,000 रुपए, दूजे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों 75,000 रुपए, तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी 50,000 रुपए की राशि के चैक इनाम वजो दिते ने। इनामी राशि के चैक 10 विद्यार्थियों दिते गए, जो अपने मापियां समेत समागम विच शामिल हुए सन। मुंबई हाई कोर्ट ने सीनियर पत्रकार ते रिपब्लिक टीवी चैनल दे ऑडिटर इन चीफ नूं अंतरिम जमानत देने तो साफ इनकार कर दिता है। मानयोग जज एस एच शिंदे अते एम एस कारनिक ने अपने हुक्मों में कहा है कि पटिशनकर्ता रैगूलर जमानत लई सैशन कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने हेठली अदालत नूं 4 दिनों के अंदर अंदर पटिशनकर्ता की पटिशन ते फैसला देने लई कहा है। बुलेटिन दे आखिर विच चोणवीं खबरां एक बार फिर तो बिहार विधानसभा चोणां दे रुझान आउणे शुरू। शुरुआती रुझानों में एनडीए महागठबंधन तो अगे चल रहा है। हुण तक मिले कुल 75 रुझानों में एनडीए 40 और महागठबंधन 29 ते अगे।
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने दिल्ली और NCR खेतर में पटाखे चलाने पर 3 नवंबर तक पूरी तरह पाबंदी लगाई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की समीक्षा ते सही विहार नूं उत्साहित करने के मकसद नाल 9 सूबियां दे सेहत मंत्रियों नाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार ने 443 करोड़ रुपए के निवेश वाले 21 प्रोजेक्टों को इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन ते वैल्यू एडिशन स्कीम तहत दित्ती मंजूरी। पंजाब विच हुण तक 13 लाख क्विंटल नरमे कपाह की खरीद हुई, जो पिछले साल की खरीद नालों 61% वध है। 15वें वित्त कमीशन ने साल 2021 तो 2026 ले अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दो, नमस्कार।